एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस का सबसे बड़ा दिलवाला है मनोज भाई। बड़ा दिलवाला मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मनोज भाई साइकिल पर खाना बेचते हैं और साइकिल पर ही अपना सारा सेटअप लगाया है। हालांकि इनका सेटअप छोटा है लेकिन इनका हौसला बड़ा है। मनोज भाई उन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया से फेमस हुए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है मनोज भाई में और उनके खाने में जिससे वो इतने फेमस हुए हैं। क्या सच में उनका खाना इतना अच्छा है या ये सिर्फ हाइप है? कहीं ब्लॉगर्स ने उन्हें ऐसे ही तो फेमस नहीं कर दिया? आज क्या क्या लाए हो आप? सर चार सब्जी, तीन सब्जी है। हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है ठीक है, जी सब्जी है। ठीक है, सब्जी कर दी, पहले दो देते थे, अब तीन कर दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी बैंगन का भरता भी लाया था। अच्छा अच्छा, ये छोले हैं। हाँ जी सर, आप देखो मतलब छोले देखो, प्याज के बगैर प्याज के छोले आप देखो कितने सही लग रहे हैं यार, बहुत सही। और ये चावल है सर, ये चावल है मनोज भाई का। इसमें अजवाइन डालिए। ठीक है, और जीरा डाला है। अच्छा, सोयाबीन डालिए, गाजर डालिए, और सर क्या नाम कहते जो है आपका मटर डालिए। ओके सही है सही है सही है। और क्या क्या है सर? ये दाल है सर, दाल। ये देखो मनोज भाई के दाल, कितनी गाड़ी दाल है ये, यहाँ तक एक डिब्बा भरा हुआ था। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। और क्या क्या है मनोज भाई? सर ये घिया की सब्जी, वीडियो अच्छी बना दे यार आप। ये देखो घिया की सब्जी, सोयाबीन डाला हुआ है। ओ यार मतलब देखो बगैर प्याज के बना हुआ है इसमें। हाँ हाँ हाँ, क्या सही लग रहा है, मतलब कलर देखो सर। हाँ जी, ज़्यादा कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। टमाटर ये रायता था सर, इसके अंदर अजवाइन है और जीरा है, भून के डाला हुआ है सर। अच्छा, काली मिर्च डाली हुई है सर। ये खत्म हो चुका है। और ये सब्जी आप चेंज करते रहते हो, मतलब हर दिन अलग अलग सब्जी होता है? अब जैसे आलू गोभी भी लाया था, परसों बैंगन का भरता लाया था। अच्छा, पनीर वनीर भी होता है? पनीर तो सर शनिवार का दिन है, लेकिन हाँ हाँ शुक्रवार को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रवार को कई लोग हैं मेरे कस्टमर जो आते नहीं। सोशल मीडिया से फेमस होना बहुत आसान है, आए दिन बहुत से लोग फेमस हो जाते हैं लेकिन फिर वे कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन मनोज भाई उन लोगों में से हैं जो इस चीज़ को बहुत ही विनम्रता से हैंडल करते हैं। वो ये याद रखते हैं कि वो किस वजह से फेमस हुए थे और उस चीज़ को इम्प्रूव करते जाते हैं। सर का कंगा तो सर में चलता है, सर पैर में कभी चलता। और जूता पैर में ही पहना मर जाता है, जितना मंजिल में आना। माफी चाहूंगा सर, मैं एक बात नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये सही कह रहे हो आप, बहुत सही कह रहे हो। नहीं देखता मैं, काला भी देखता हूँ, पहले काला देखता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से साहब मेरे को मिला, कोई बात नहीं साहब, जिंदगी इसी में काटनी है। लखपति करोड़पति बनना नहीं है, पति बनना था सो बन गया। मरे मुर्दे पे मिट्टी गिरनी थी सो गिर गई। सही है सही है। मनोज भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ आप। क्या बताऊँ, आप लोगों ने मेरे को सर ये पहचान देके बहुत यूट्यूबर जितने भी आए हैं सर मैं बड़ा आभारी हूँ। और मैं माफी चाहता हूँ पहले तो आपसे कि आपको थोड़ा सा बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। अरे नहीं नहीं नहीं, काम जरूरी है, यही टाइम है खाने का। हाँ हाँ, लोग 11 बजे अपना दुकान लगाते हैं सर। बाकी मैं इससे पहले टेक्निकल काम करता था। हाँ जी, मोटर वाइंडिंग का काम था मेरे पास, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई थी, चार चार पाँच पाँच लड़के काम करते थे मेरे पास, 100 किलो को खरीदते थे बेचते थे। अच्छा अच्छा, उस लाइन में था। अच्छा अच्छा, ये मेरा खानदानी काम है, ये मेरा खून में मेरा काम सीखा हुआ था। छोटेपन में माता जी के साथ में लगा हुआ था तो ये सीखना। पहले कोई घर में फंक्शन होता था तो कुछ ना कुछ करते रहते थे, मैं अच्छा कुछ करता था। अच्छा अच्छा, छोटा मोटा कोई काम हो गया तो ये हमने खाना बना लिया। एक्चुअली क्या है कि ये 2018 से कंटिन्यू मैं या 13 अप्रैल से हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। उसके बावजूद डेढ़ पौने दो साल, डेढ़ साल सवा साल ये पत्थर वत्थर लग रहा था, खुदाई हो रही थी सारे नेहरू प्लेस में। अच्छा अच्छा, ये देखिए अभी बाकी है काम, अभी ये बोल चुका। हाँ ये तो चल ही रहा है काम। तो ये फिर कोरोना का भी वहम आया, रात दिन में लगाता था हीरोज टावर पे। अच्छा अच्छा, पहले यहाँ दिन में लगा के बेच के चला जाता था। पहली बार मतलब आप वायरल कब हुए थे? वायरल का क्या है, एक रात में ऐसे 3 दिसंबर को किसी ने वीडियो बनाया तो वहाँ पे मैं खाना दे रहा था। हाँ, तो वो पहले सोनाक्षी सिन्हा के ओबराय होटल में वो थी शूटिंग थी, उसके बावजूद वो एक बार आए तो खाना खत्म हो गया था, क्योंकि ऑटो वो लोग ना वहाँ गाड़ी लगाते हैं 12:30 बजे के बाद ऑटो वाले, तो वो लोग वो मिलता नहीं है, तो फिर घर जैसा खाना है, उनका पेट भी नहीं खराब होता है, दो दो चार चार घंटे गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ जी ये ठीक है, 80-100 ऑटो लगते थे, उनमें से 40-45-45 लोग मेरे पास होते थे, रात में 12:30 बजे के बाद अच्छा काम चलता था, और सारे नीचे के आते थे, जिनको भी टेस्ट लगता गया बोले कि बेटा ये काम बढ़ाते चले जाओ। ये चीज़ है, एक हमारे अंकल है ऑटो वाले चलाते हैं, अब तो शायद वहाँ आपने घर पहुँच गए बिहार में, अब शायद उनसे मुलाकात काफ़ी टाइम से हुई नहीं। तो बस वही है, कहते बेटा बढ़ा दो इनको, फिर वहाँ पर लगाने लगे, तो ऐसे इन्होंने वीडियो बनाया। फिर यहाँ आया तो यहाँ पर उन्होंने
18 या 13 दिसंबर को इन्होंने बनाया था मेरा, यम यम इंडिया वालों, मनीष जी थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने इंस्टाग्राम में डाला, किस में डाला मुझे नहीं पता। उसके बाद गौरव जी आए, एक भैया और थे 25 जनवरी को। हाँ जी हाँ जी। फिर तो साहब बस गौरव जी आए या और भी कोई आए, उनके रूप में परमात्मा आया, आप लोगों के रूप में परमात्मा आया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो साहब भगवान जाने या आप जाने। नहीं, बहुत सही बहुत सही, ये तो भगवान ने करवाना था। तो वायरल होने के बाद अब कैसा लग रहा है सर? बहुत वायरल होने के बाद भी ठीक है सर, हम तो मजदूर आदमी है, आप लोग तो हमारे लिए मालिक हो, जितने भी यूट्यूबर आए हैं सर। अरे जैसे सब कुछ था। अरे बस वो ग्राहक का इंतजार करना पड़ता था, आप नहीं करना पड़ता। सही है सही है। तो आगे फ्यूचर क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या प्लान है? अच्छा सुना, आप रिश्ते भी करवाते हैं? वो साहब वो तो सेवा 11-16 साल से 15 साल से 16 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बच्चे हैं जिसमें आईएएस के बच्चे हैं। हाँ हाँ। मंदिर में है, लखनगर मंदिर में, काफ़ी फेमस मंदिर है वो भी। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे सेवा करता है। खाना आप खुद से ही बनाते हैं? हाँ। सारा खाना खुद से ही बनाते हैं? हाँ। ऐसा ना दूसरे को दे दूंगा टेस्ट का, उसका नमक मिर्च का मैं चेक भी नहीं करता, उसका हाथ कुछ और है, ठीक है ना जी? हमारा हाथ कुछ और है, घर में चाहे वाइफ को बोल दूँ या लेबर को बोल दूँ, हेल्प जरूर कर देते हैं वो लोग। लेकिन साहब ये जो ना जो नमक मेरा छोक वगैरह या जो भी कुछ करना होता है वो खुद करता हूँ। तो क्या रूटीन रहता है आपका सर? वैसे तो यहाँ आज लेट हो गया, कल थोड़ा सा लेट हो गया था, आज थोड़ा लेट हो गया, तीसरी सब्जी के चक्कर में वो थोड़ा काम खराब हो गया था। वैसे मैं 11:30 बजे से आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। 4 बजे 4:30 बजे। हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं, आपके व्यूवर्स जो हैं? सर मैं यही कहूँगा बस स्टूडेंट के लिए खासकर कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ कर सकता है, अनपढ़ कुछ नहीं कर सकता। सर मैं तो अपनी बात करता हूँ जो मैंने गवाया हुआ है। अगर पैसा नहीं है ना, धन नहीं है तो कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गरीबी। बहुत सही बहुत सही। आप पढ़ेंगे लिखेंगे ज्ञान आएगा। पढ़ा लिखा आदमी, मैं फिर वो हर बात बोलता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हर बात कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। जैसे आप आज कैमरा चला रहे हैं, मैडम जी बेटे ये बच्ची कहना कहते हैं आज मोबाइल चला रही है। अपनी ज़िंदगी झाड़ू पोछे में वो बच्चे जो है, जो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी पढ़ लिख के बच्ची को क्या करना, नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ है। ये साथ चाहेगी और कुछ नहीं चाहेगा सर। सही है सही है। बोलने का लिहाजा, बात करने का लिहाजा, सब पढ़ाई लिखाई से आता है। मैं तो खाने का इनका फैन इसलिए हूँ क्योंकि खाने से बढ़िया इनका बातचीत करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से सर्व करते हैं, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। एंड लाइक मैं तो लाइक आई एम वर्किंग राजा, वाज क्वाइट फार अवे, मेरे पास ऑप्शन है सोना स्वीट का, बट आई फॉरगो दैट टू कम हियर। कॉस्ट तो मतलब जस्ट लाइक कि आई डोंट थिंक ही इज अर्निंग मच प्रॉफिट, बट खाना लाजवाब है, एनीबॉडी कैन ट्राई ओवर हियर। कस्टमर को बनाए रखना किसी भी बिजनेस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि मनोज भाई अच्छे से जानते हैं। ये बहुत बच्ची समझदार है, इतनी समझ है इसको बच्ची को, इतनी सीधापन है कि शादी करके अगर जाएगी ना तो सास खुश रहेगी इससे, और सास इसकी तरीके मिल गई तो बात वो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो अब बताओ मनोज भाई के बारे में बताओ आपको। एक्चुअली मैं बाहर का बहुत अवॉइड करती हूँ खाना, मैं घर का ही खाती हूँ, और अगर मैं कभी नहीं लाती हूँ बाई चांस तो मैं सिर्फ यहीं से खाना लेके जाती हूँ कि हाँ मैं यहाँ का खा सकती हूँ। मेरे को ये लगता है कि हाँ घर जैसा खाना है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट। मैं बाहर का बहुत अवॉइड करती हूँ खाना, तो मैं बाहर कहीं से कुछ नहीं खाती, यहीं से खाती हूँ जब भी खाती हूँ। मनोज भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के हैं, किसी के पास पैसे भी नहीं होते तो भी खाना खिला देते हैं, और इनका व्यवहार नेचर तो बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको खाना? जेनुइन बहुत टेस्टी है, स्पेशली छोले और दाल, स्पेशली दाल, तो दाल बहुत टेस्टी लगी। मैं शुरू से दाल का शौकीन हूँ, और मैंने सुना भी था बाकी यूट्यूब पे मैं वीडियो देखी इनकी, तो उन्होंने बोला कि दाल आप रेगुलर करो, तो मैं देखूँ मैं दाल में क्या, तो मैं ना के खा के देखा वहाँ के, मैंने अब तक अपनी मम्मी की आपकी खाई है, उसके बाद ये जेनुइन दाल मस्त है भाई। मनोज भाई आज फिर हमें क्या खिला रहे हो आप? सर जो मेरे पास है वो खिला सकता हूँ, खत्म हो गया, दही पड़ी है वो डाल देता हूँ। तो ये लगने जा रही है हमारी थाली। मनोज भाई क्या क्या डाले? ये सर ये दाल है ना, ये दाल है सर, ये दाल है। हाँ जी सर। छोले डाल चुके हैं। हाँ जी सर। रोटी और चावल भी पड़ चुका है सर। ये 760 रुपये और 1250 डाल रही है। ये रही हमारी प्लेट, खा के चेक करते हैं कैसा है। पहले हम ले रहे हैं छोले और रोटी, ठीक है, और ये अच्छे हैं छोले, तो बहुत अच्छे हैं। ये दूसरी सब्जी घिया और सोयाबीन, ये भी अच्छा। ये दाल
दाल तो बहुत सही है, जैसे हम घर में खाते हैं वैसा ही स्वाद है। अगर आप नेहरू प्लेस आ रहे हैं और आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, तो मनोज भाई के पास आइए, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट मिलेगा आपको। कोई भी मतलब ना ही कुछ भी नमक ज़्यादा है, ना ही मिर्च ज़्यादा है, बिल्कुल सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। खाना तो बहुत लोग खिलाते हैं, पर जो दिल से खिलाते हैं उसका स्वाद कुछ और ही होता है। दोस्तों, मनोज भाई से मिलने के बाद कई चीज़ें इनसे सीख कर जा रहा हूँ। जीवन में ग्रैटिट्यूड और काम के प्रति ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये बंदा YouTube से फेमस हुआ है और आज भी सारे यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा करता है। अगर इस चीज़ को मनोज भाई ने मेंटेन रखा तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।